तो ये है पूरी सामग्री टॉप टू बॉटम सिवाय नमक के मलाई कोफ्ता बनाने के लिए। वो है कॉर्नफ्लोर, ये 250 ग्राम पनीर है, 10-12 दाने हमने लिए हुए हैं पीसेस काजू के, ये है आपकी खसखस, और एक टमाटर, ये जो है वाइट पेपर है, 3 दाने हम प्याज लेंगे, इलायची है, हरी मिर्च है, और ये ओबियसली क्रीम है। मलाई कोफ्ता बन रहा है तो दूध का होना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं सामग्रियों का हम इस्तेमाल करके बनाएंगे मलाई कोफ्ता, बहुत ही शानदार। चलिए देखते हैं किस तरीके से ये डिश तैयार होती है। तो ये हैं 3 प्याज, 3 प्याज को हम 1 के 4 कर लेंगे, और ज़्यादा बारीक इनको नहीं काटना है हमने। ये काजू हैं, काजू इतने 12-14 काजू हैं, इतने काजू काफ़ी माने जाते हैं ग्रेवी के लिए। ये खसखस है, खसखस का तो पूछिए मत, आयरन बहुत ही ज़्यादा होता है इसमें, एंटी इन्फ्लेमेटरी इसमें बहुत ज़्यादा, मतलब मीन्स ये इसकी विशेषता है और क्या नहीं होता है इसमें। और मिर्च भी डालेंगे, ये सब जाएंगे हमारे, ये जो है प्याज चॉप होके, काजू, खसखस और 2 हरी मिर्च जाएंगी बॉईल होने के लिए। अब मैं दिखाता हूँ आपको चॉप करके इसे। तो देखिए प्याज इस तरीके से चॉप हो जाएगा हमारा, ज़्यादा बारीक हमें करना नहीं है। एक चीज़ दिखाना मैं भूल गया था, जिंजर गार्लिक पेस्ट, आधा गांठ हमने इसमें लहसुन की लिखी है, और थोड़ा सा हमने इसमें जिंजर लिया हुआ है, इतना ज़रूरी है, बाद में काम आएगा इसको, इमाम जस्ते में हम बढ़िया सा पेस्ट बना लेंगे। अब डालते हैं इसको गरम पानी में, प्याज हमने गरम पानी में डाल दिया, खसखस डाल लें, देखिए 2 हरी मिर्च डाल देते हैं, और ये डाल देते हैं काजू। अब इसको हम बॉईल दे देंगे, ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है इसको नरम करने के लिए, प्याज थोड़ा पक भी जाएगा और ये नरम हो जाएगा, फिर हम इसको ठंडा करके करने के लिए छोड़ देंगे, और इसका बनाएंगे बारीक से बारीक पेस्ट, दिखाते हैं आपको आगे। देखिए जिंजर गार्लिक पेस्ट हमारा तैयार है, टमाटर, 1 टमाटर की प्योरी हमारी तैयार है। इसमें हम हल्दी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप चाहें तो हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं इसमें हल्दी की जगह डाल रहा हूँ सैफरन के कुछ फ्लेक्स, सैफरन फ्लेक्स डाल दें इसमें, इतने पेटल्स काफ़ी रहेंगे, 10-12 पेटल, इससे इसका कलर इतना शानदार हो जाएगा कि पूछिए मत। और यहाँ हमारा ये उबल के बिल्कुल तैयार हो चुका है, देखिए इस तरह का प्याज आप नरम कर लें, इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, ठंडा होने के बाद हम इसको बारीक ग्राइंड करेंगे। इसमें टमाटर कुछ लोग नहीं डालते हैं, लेकिन मैं ज़रूर डालता हूँ, क्योंकि ये डिश होती है बहुत ठंडी, और सॉरी ये डिश जो होती है बहुत मीठी होती है, तो उसके मीठेपन को कम करने के लिए और उसके कलर को एक रॉयल लुक देने के लिए हमने इसमें पेटल्स डाले हैं सैफरन के लिए, जाफरन ज़रूर डालें, जाफरन नहीं है आपके पास तो पिंच ऑफ हल्दी ज़रूर डालें, नहीं तो ये डिश पूरी वाइट लगती है, मज़ा नहीं आता। कुछ लोग इसमें टमाटर नहीं डालते हैं, लेकिन मैं डालता हूँ। आगे दिखाते हैं आपको किस तरीके से क्या होता है। आपने सब तैयारियाँ देखी कि किस तरीके से मैंने मलाई कोफ्ता बनाने की तैयारियाँ करी हुई हैं। मलाई कोफ्ता जो ये नाम है, जितना सुंदर मलाई कोफ्ता नाम है उतनी सुंदर इसके बनाने की विधि है। आप अगर इस मेथड को फॉलो करेंगे, जो मेथड मैं बनाने जा रहा हूँ, जो चीज़ें मैंने तैयारियाँ करी हैं, अगर इसी मेथड को लाइन टू लाइन अगर आप फॉलो करते हैं और उसका कंपैरिजन किसी और रेसिपी से करते हैं मलाई कोफ्ता की, तो आप देखेंगे ये रेसिपी कई आगे निकल जाती है, टेस्ट में, मेथड में, हर चीज में। चलिए आइए देखते हैं मलाई कोफ्ता बनाने के लिए आगे क्या क्या काम करना होता है। सबसे पहले हम पनीर को ग्रेट कर लेंगे, इस तरीके से आपने पनीर को ग्रेट कर लेना है, इस तरीके से आप ग्रेट कर लिया आपने। अब आपने इसको बढ़िया ढंग से मसलना है, आप इसको मसलते वक्त ही इसमें देखिए, आप क्वांटिटी देख लीजिएगा, इतना आपने सौंफ का पाउडर डालना है, सौंफ का पाउडर, फिर उसके बाद आपने इतनी सी, ये देखिए डालनी है व्हाइट पेपर,
वाइट पेपर डाल लेंगे, और वाइट पेपर के बाद हम डालेंगे इसमें रोस्टेड क्यूमिन सीड्स पाउडर, जीरे का पाउडर जो रोस्टेड है। फिर इसको हम मलना शुरू करेंगे। इसको बढ़िया तरीके से इस तरीके से आप मलें। देख रहे हैं आप किस तरह का हो जाता है ये। इसमें आप नमक भी डालेंगे, थोड़ा सा इसमें आप नमक डालें। बहुत ज़्यादा आपको नमक डालने की ज़रूरत नहीं है, दो तीन पिंच आप नमक भी डाल देंगे इसमें। आप इसे मलते वक्त जब आपको पता लगता है कि इसके जो दाने हैं वो गायब हो गए हैं, तो इसमें आप 250 ग्राम हमने जो है वो पनीर लिया हुआ है उसमें इतना कॉर्नफ्लोर डालें। देख लिया आपने कॉर्नफ्लोर कितना डाला है मैंने। कॉर्नफ्लोर डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही जो हम गोलियां बनाएंगे, इसके जो कोफ्ते बनाएंगे उस वक्त हमें ये चिपकाता यही है, अदरवाइज हम इसमें तेल में डालते ही ये अलग अलग हो जाएगा। तो हमने इसमें क्या क्या डाल दिया है, वाइट पेपर पाउडर डाल दिया है, नमक डाल दिया है, रोस्टेड क्यूमिन सीड्स पाउडर डाल दिया है, और क्या डाला हमने इसमें, वाइट पेपर डाल दिया है। अभी ये आपका और रगड़ा जाएगा, अभी इसको काफ़ी रगड़ना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा पाउडर और डालते हैं हम, हल्का सा। ये देखिए साहब किस तरह का हो गया है ये। अब हमें इसे थोड़ा एक प्लेट में, आपने ये कॉर्नफ्लोरी लटका हुआ है, अब आप इसको गोली बनाने के लिए इस तरीके से कर लें। ये देखिए आप इसे इस तरीके से डिवाइड कर लें, जितनी गोलियां आप बनाना चाहते हैं बड़ी छोटी उस हिसाब से बना लें। बहुत आराम से टूटता है, बहुत मुलायम है, लेकिन आप इसमें कॉर्नफ्लोर का ही इस्तेमाल करें। हाथ में थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर वो कर लें और गोली बनाएं प्यारी प्यारी। बननी चाहिए बहुत ही स्मूथ, बिल्कुल गोल। आय हाय क्या बात है, कॉर्नफ्लोर हाथ में जरूर रहना चाहिए, नहीं तो ये चिपक जाएगा सब। ये गोलियां दिख ऐसी रही हैं, गोलियां बदमाशी कर देती हैं बहुत ज़्यादा। आराम से करें इसमें, इस तरीके से कॉर्नफ्लोर स्प्रेड कर लें जिससे ये चिपके ना। देखिए गोली किस तरीके से बन रही है, अपने हाथ में कॉर्नफ्लोर इस तरीके से रख लें एक प्याले में। ये देखिए हमारा सरसों का तेल है, सरसों के तेल में हम इसको फ्राई करेंगे, धुआं निकल रहा है। अब हम इसको कर देंगे गैस को बंद। अगर हम देखिए अपने किस तरीके से हमने ये अपने कोफ्ते बनाए हुए हैं, किस तरीके से गोलियां बनाई हुई हैं, ये देखिए प्यारी सी बन गई ना। आपने इसमें कॉर्नफ्लोर का यूज़ बहुत करना है, बार बार करना है, गोली बनाते वक्त करना है, सब कुछ। ये देखिए कितनी शानदार हो गई हैं ये। अब हम इसको तलेंगे, तेल को गरम तेल में एकदम नहीं डालना है, इस तेल में इसको एकदम नहीं डालना है, तेल को थोड़ा ठंडा हो जाने दीजिए, फिर हम इसको डालेंगे मीठी मीठी आंच में, इसको मध्यम आंच में इसको तलेंगे। जब तक हमारा तेल ठंडा होता है मैं आपको दिखाता हूँ अपनी तैयारियाँ। हमने एक गिलास लिया हुआ है दूध, एक गिलास नहीं मीन्स एक छोटे गिलास में ऊपर तक का दूध लिया हुआ है, आप देख सकते हैं कितना है। जिंजर गार्लिक पेस्ट है, हल्दी, अगर आपके पास सैफरन नहीं है तो देखिए सैफरन जो हमने डाला था किस तरीके से इसने प्यारा सा कलर छोड़ लिया है। और ये टमाटर प्यूरी है एक टमाटर की, और ये है हमारा जो हमने चीज़ें उबाली थी, इसमें क्या क्या है, प्याज है आपका, जो भी है आपको दिखाया गया है वो प्याज है, भूल गया हूँ क्या, प्याज है, काजू है, पॉपी सीड्स हैं मीन्स खसखस है, और मिर्च है, और ये हमने
मलाई रखी हुई है। मलाई मलाई कोफ्ता है तो मलाई तो भैया दलेगी दलेगी। ठंडा हो चुका है, तेल को हम सिम में, अब हमारे गोलियां जो हैं इसमें जाएंगी हल्के हल्के। ये देखिए बहुत प्रिकॉशन लेना होता है इसको उबालते वक्त आपको। ये देखिए ये देखिए, सरसों के तेल में ही का ही इस्तेमाल करें। एक ही साथ सब गोलियां हम इसमें डाल देंगे, गोलियां मतलब अपने कोफ्ते। मज़ा आता है इसमें बहुत। आहा, अब इसको एकदम से आपने हिलाना नहीं है एक्चुअली, थोड़ा देर इसको रुक जाए क्योंकि ये मुलायम है। अपने आप देखते हैं क्या है, एकदम से तला लगता है। तो आप इसको गैस को इसका टेम्परेचर नीचे से वो कर लें। देखिए इस तरीके से भी आप इसको हीट दे सकते हैं। देख रहे हैं क्या शानदार हो रखा है माहौल किचन का। हाय 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 हाय, बहुत ही शानदार माहौल है। इस तरीके से आप, तेल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, जलने नहीं चाहिए। यह देखिए इस तरीके से धीरे धीरे पलटना है। बहुत ज़्यादा तारीफ है पलटने में इसकी, ये मुंह में घुल जाने वाले हैं पता है आपको। बहुत ही धीरे से आपने इसको पलटना है। देखिए ये हो गए हैं, इनको हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। गैस हमने कर दी है बंद, एक एक करके इनको तेल निखारते हुए हम निकाल लें। तो ये देखिए किस तरीके से कितने शानदार ये आपके हो गए हैं। अगर आप इसको उठा के देखेंगे तो रुई से भी हल्के हैं, इस तरीके से हो जाने चाहिए। अब ये बिल्कुल तैयार है, हम तैयारी करते हैं आगे की। गैस हम करते हैं ऑन। पुराना वाला जो तेल है हमारा, जिसमें सरसों का, सरसों के तेल में ही कुकिंग होगी, हम किसी चीज़ का और ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखिए सरसों का तेल हम इसमें, जिसमें हमने वो करा था उसी से लें, जिसमें हमने अपने गोलियां फ्राई करी थी उसी तेल को ले लेंगे। अब हम सबसे पहले इसमें डालेंगे, आपका हमारा तेल बिल्कुल तैयार है। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ा तेल को वो होने देते हैं। ये देखिए जिंजर गार्लिक पेस्ट हमारा हो गया है, और इसमें केसर में क्या रंग छोड़ा है, हल्का सा देखा केसर तो इसके रंग को ना इतना रॉयल बना देता है। लोग जिसको मीठी पसंद करते हैं, लेकिन मुझे डिनर में बिल्कुल भी मीठी टेस्ट पसंद नहीं है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर की प्यूरी, इसको हाथ से इस तरीके से कर लेते हैं। और टमाटर की प्यूरी जो है उसको भी हम तेल आने तक का फ्राई करेंगे। जिस वक्त टमाटर प्यूरी वो हो रही है, पिंच ऑफ गरम मसाला हमने डाल दिया, देख लिया होगा पिंच ऑफ ही डालना है हमने गरम मसाला। और गरम मसाला आपका बढ़िया होना चाहिए, मैंने घर के मसालों से ही इसको तैयार किया हुआ है, खड़े मसालों से, और आज ही तैयार किया स्पेशली इस डिश के लिए। बाद में भी एक पिंच ऑफ गरम मसाला हम डाल लेंगे। आप देख सकते हैं ये टमाटर ने हमारा इस पेस्ट में एक्चुअली तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। जैसे ये तेल छोड़ने लग जाए, उसको ऐसे ऐसे घुमाएं और इसमें डाल दें अपना पूरा बैटर। हाय 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 हाय, ये तो मज़ा ही आ गया। इस बैटर को हम डाल दें। अब आपने एक काम करना है, इसे आप घुमाते रहें। इतना हमने अमूल का एक पीस बटर का भी डाल दिया है इसमें। ये डिश बहुत मीठी हो जाती है, इस वजह से हमने इसमें टमाटर डाला है। लोग इसमें टमाटर नहीं डालते हैं, लेकिन आप टमाटर ज़रूर डालिएगा, नहीं तो इस डिश को आप खा नहीं पाएंगे, इतनी मीठी हो जाती है। ये देखिए अब इसको आपने लगातार घुमाते रहना है। अब हम इसमें अपना दूध भी डाल देते हैं एक ग्लास, और मलाई जो है हमारे पास ये थोड़ी देर में डालेंगे। हाँ पहले इसको उबाल आने देते हैं, एक अच्छा सा उबाल आ जाए, और इससे
कहीं जाए नहीं जब तक उबाल नहीं आ जाता। उबाल आ जाए तब तक इसे आप हिलाते रहें हल्के हल्के हाथ से। इसको देखो उबाल आ गया है इसमें, और बढ़िया उबाल आ गया है। अब हम इसमें वही रिपीट करते हैं, इसमें हम थोड़ा सा पिंच ऑफ, दो पिंच हमने डाला वाइट पेपर, और थोड़ा सा एक पिंच डाला हमने सौंफ का पाउडर, और दो पिंच डाला हमने रोस्टेड क्यूमिन सीड्स पाउडर, वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं हमने, और थोड़ा सा डाला हमने पिंच ऑफ गरम मसाला, देखिए कितना सा है ये डाल दिया। अब साथ ही साथ हम इसमें नमक भी डाल देंगे। नमक शुरू में ज़्यादा ना डालें क्योंकि ये डिश जो है वो ड्राई सी बनेगी। पकाने के लिए डाला हुआ है मैंने इसमें नमक, तो इस तरीके से आप इसको हिलाते रहें। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी जब इस तरीके कुछ हो जाए, क्योंकि ये जो डिश बनती है वो थोड़ा गाढ़ी गाढ़ी बनती है, लटपटी बनती है कहा जाए, तो उस वक्त इसमें हम मिला देंगे मलाई। मलाई आप मिला लें, मलाई ज़रूर मिलाएं क्योंकि इसका नाम ही मलाई कोफ्ता है। और इसको हल्के हल्के हाथों से मिलाते रहें, मलाई इसमें एक इसका टेक्सचर बिल्कुल बदल देगी। देखिएगा थोड़ी देर मलाई को भी हम पकाएंगे। मेन चीज़ है जो आपका टेक्सचर है वो जब तक इस तरह का ना आ जाए जैसा मैं बोल रहा हूँ तब तक आपने इसको पकाते रहना है। ये देखिए अब इसकी कंसिस्टेंसी जब इस तरह की आ जाए, ये देखिए, तब आप इसमें, आप इसको में अगर मीठा पसंद करते हैं इस डिश को तब तो कुछ नहीं, आप चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और टमाटर जो है वो स्किप कर सकते हैं। बट अगर आप इस डिश को मीठा पसंद नहीं करते हैं तो आप इसमें एक काम कर सकते हैं, अगर मेरी तरह आपकी लाइकिंग्स हैं तो इसमें दो तीन बूंदें आप नींबू का निचोड़ सकते हैं, और जैसे ही आपने नींबू निचोड़ा दो चार बूंद कागजी नींबू की, बहुत ही शानदार हो जाता है इससे टेस्ट। आप इसमें अपने गोलियां डाल दीजिए। आय हाय 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 मज़ा आ गया, क्या मलाई कोफ्ता बना हुआ है। और इसको अब ज़्यादा पकाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं रहती, थोड़ा सा ये सोख ले इसे, फिर आपको इसका दिखाते हैं प्रेजेंटेशन करके। थोड़ा सा पकाएं इसको एक दो मिनट, फिर दिखाते हैं इसका प्रेजेंटेशन आपको। गैस करते हैं बंद और इसका करते हैं प्रेजेंटेशन। हाय 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 क्या बात है, गजब हो गया भैया। हाय 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 मलाई कोफ्ता हो तो ऐसा हो, अदरवाइज ना हो। इसको हटा दो यहाँ से। इसकी गार्निशिंग हम करेंगे आपकी पिस्ता से। पिस्ता से ही इसकी गार्निशिंग करी जाती है, कुछ लोग हरे धनिया से भी करते हैं, लेकिन मुझे इसकी गार्निशिंग पिस्ता से करते हुए बड़ा ही मज़ा आता है। ये डिश ही कुछ ऐसी है। हाय 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 थोड़ा सा पिस्ता जो है हम यहाँ पे भी रख देते हैं इस तरीके से, तो इसका अंदाज कुछ इस तरीके से है। तो आपने देखा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इस रेसिपी को टॉप टू बॉटम देखा होगा और आप इसको फॉलो जरूर करेंगे। ये आज मैं टेस्ट करते हुए आपको इसलिए नहीं दिखा रहा हूं, मैंने ये बीच में टेस्ट करी थी, इतनी लाजवाब हो रही है, अगर मैं टेस्ट करूंगा तो फिर मुझसे बोला नहीं जाएगा। आखिर में मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। वो घंटी आप ऐसे दबाएं कि उसकी आवाज स्टेट ऑफ उत्तराखंड में ही नहीं, हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में गूंजे, ये मेरी आपसे उम्मीद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।